हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैप्टर नाइन हाफ्स एंड क्वार्टर्स ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड थ्री इन योर टेक्स्ट बुक देखो सबसे पहले क्या लिखा है मेक द अदर हाफ क्वेश्चन जी हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन यर कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ इसमें हमें हाफ पिक्चर ड्रॉ किया हुआ दिया है अब हमको अदर हाफ ड्रॉ करना है और पिक्चर को कम्प्लीट करना है ओके okay? सी इस तरह से हम फ्लावर बटरफ्लाई और एंट का हाफ पिक्चर ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बुक में और पिक्चर को कंप्लीट करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एच दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर कैन यू कंप्लीट इट हाउ मेनी मोर क्वार्टर विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट टेक्स्ट बुक में हमको एक पिक्चर दिया है क्वार्टर मतलब ये वन फोर्थ पिक्चर है ओके okay? हमको उसके थ्री पार्ट्स अभी और ड्रॉ करने हैं उसको कंप्लीट करने के लिए सो एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन तो आप सन का पिक्चर कंप्लीट करोगे और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने क्वार्टर्स चाहिए तो थ्री मोर क्वार्टर्स चाहिए ओके सो यू विल राइट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ वन मीटर ऑन द स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर वन फोर्थ मीटर थ्री फोर्थ मीटर यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इमेजिन करना है अपनी मीटर स्केल का यूज करके हमको वन मीटर स्ट्रिंग कट करना है और उस स्ट्रिंग के ऊपर हमको हाफ मीटर वन फोर्थ मीटर और थ्री फोर्थ मीटर मार्क करना है ओके अब उस स्ट्रिंग का यूज़ करके हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्लोर पे वो लाइन कितनी होनी चाहिए हाफ मीटर की होनी चाहिए ओके अभी हमको एक और क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन तो हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं के लिए हम क्या करेंगे लुक एट द आंसर वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर हाफ मीटर ऑन द फ्लोर इक्वल्स टू हम हंड्रेड को टू से डिवाइड करेंगे ओके सो इट विल बी फिफ्टी सेंटीमीटर हैंड्स हाफ मीटर ऑन द फ्लोर इक्वल्स टू फिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग ओके ना ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड फोर हमको कुछ फ्रैक्शन दी हैं मीटर्स में उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ओके okay? सी सबसे पहले हमको पता है कि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ओके हाफ मीटर इक्वल्स टू डेस सेंटीमीटर तो हम वन अपॉइंट टू को क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे ओके सो आंसर विल बी फिफ्टी सेंटीमीटर नेक्स्ट हम वन अपंट फोर को भी हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट है थ्री पॉइंट फोर मीटर उसको भी हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो आंसर क्या आएगा सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर अब उसके साथ हमको एक और क्वेश्चन दिया है कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड हाफ एंड वन अपॉइट फोर वी गेट थ्री अपॉन फोर जब हम हाफ और वन अपॉइट फोर को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है थ्री अपॉइट फोर फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव ओके सो वी विल राइट येस वी कैन सी दैट वी गेट थ्री अपॉइन फोर बाय एडिंग वन अपॉइन टू एंड वन अपॉन फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शेयरिंग मिल्क दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्डस 1 लीटर द मिल्क इज पुट इन टू फोर अदर बॉटल सो दैट ईच बॉटल हैज़ वन 4 फोर लीटर ऑफ मिल्क अब हमको नीचे एक मिल्क की बॉटल दी गई है उसके अंदर कितना मिल्क है वन लीटर और बाकी जो चार बॉटल साइड में दी गई है उसमें हमें वन फोर्थ लीटर मिल्क डालना है एंड द क्वेश्चन इज शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल और वन फोर्थ बॉटल को हमें शेड करना है ओके okay? सी इस तरह से हम हर बॉटल में शेड करेंगे हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव अब हमको बताना है कि इसके अंदर कितना मिली लीटर मिल्क है उसके लिए हम क्या करेंगे लुक एट द आंसर वन लीटर इक्वल्स टू थाउजेंड मिली लीटर ईच बॉटल कंटेंस वन पोर्ट लीटर ऑफ मिल्क एक लीटर में थाउजेंड मिली लीटर होते हैं और हर एक बॉटल के अंदर कितना है वन पॉइंट फोर लीटर मिल्क है हैंड्स ईच बॉटल कंटेंस इक्वल्स टू थाउजेंड मिली लीटर डिवाइड बाई फोर हम थाउजेंड को फोर से डिवाइड करेंगे सो दैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड थ्री अपॉइंट फोर लीटर एंड द अदर होल्ड वन अपॉइंट फोर लीटर श्याम जो है वो एक लीटर मिल्क दो बॉटल्स में डालता है एक बॉटल में थ्री अपॉइंट फोर लीटर मिल्क डालता है और दूसरी बॉटल में वन अपॉइंट फोर लीटर ओके शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल अब हमको क्या करना है शेड करना है तो देखो नीचे बॉटल्स में शेड किया हुआ है एक में थ्री फोर्थ पार्ट पे शेड किया है और एक में वन फोर्थ पार्ट पे इस तरह से आप टेक्स्ट बुक में शेड करोगे ओके हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड अब हमको बताना है कि हर एक बॉटल में कितने मिली लीटर्स मिल्क है तो एक लीटर में थाउजेंड मिली होते हैं क्वॉन्टिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट बॉटल हम थाउजेंड को क्या करेंगे थ्री अपॉइंट फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओके सो आंसर विल बी सेवन फिफ्टी मिली लीटर ऑफ मिल्क और सेकेंड बॉटल का इसी तरह से निकालेंगे क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन द सेकेंड बॉटल अगेन वी विल मल्टीप्लाई थाउजेंड इन टू वन अपॉइंट फोर क्योंकि सेकेंड बॉटल में वन अपॉइंट फोर लीटर मिल्क है सो आंसर विल बी टू फिफ्टी मिली लीटर ऑफ मिल्क ओके This we will write in the notebook.